आपका पहला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भगत सिंह, डी लाल बहादुर शास्त्री। आपका सही जवाब होगा डी लाल बहादुर शास्त्री। आपका अगला सवाल है, ताला नगरी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए अलीगढ़, बी जबलपुर, सी गोरखपुर, डी मुरादाबाद। आपका सही जवाब होगा ए अलीगढ़। आपका अगला सवाल है, 2021 का दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी फिनलैंड, सी कोरिया, डी जापान। आपका सही जवाब होगा बी फिनलैंड। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब होगा सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका अगला सवाल है, हवाई जहाज में कितना इंजन होते हैं? आपका ऑप्शन है ए चार इंजन, बी दो इंजन, सी आठ इंजन, डी पांच इंजन। आपका सही जवाब होगा ए चार इंजन। आपका अगला सवाल है, लठमार होली कहाँ खेली जाती है? आपका ऑप्शन है ए आगरा में, बी मथुरा में, सी बनारस में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी मथुरा में। आपका अगला सवाल है, सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी नेपाल, डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा बी भारत। आपका अगला सवाल है, बिल्ली का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? आपका ऑप्शन है ए 8 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 14 वर्ष। आपका सही जवाब होगा सी 15 वर्ष। आपका अगला सवाल है, किस राजा ने अपनी ही माँ से शादी कर ली थी? आपका ऑप्शन है ए जहांगीर ने, बी बाबर ने, सी अकबर ने, डी ओडेपस ने। आपका सही जवाब होगा डी ओडेपस ने। आपका अगला सवाल है, ऐसी कौन सी नदी है जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है? आपका ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी ताप्ती नदी, सी यमुना नदी, डी नील नदी। आपका सही जवाब होगा डी नील नदी। आपका अगला सवाल है, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए दाल, बी सोयाबीन, सी चावल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी चावल। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 2 जनवरी, बी 2 अक्टूबर, सी 2 अगस्त, डी 2 दिसंबर। आपका सही जवाब होगा बी 2 अक्टूबर। आपका अगला सवाल है, दुनिया में सबसे अधिक वर्षा किस देश में होती है? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी जापान, डी अमेरिका।
आपका सही जवाब होगा बी भारत। आपका अगला सवाल है, गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? डॉट्स आपका ऑप्शन है ए गांधीनगर, बी पटना, सी हैदराबाद, डी रायपुर। आपका सही जवाब होगा ए गांधीनगर। आपका अगला सवाल है, किस देश के लोग सांप का जहर पीते हैं? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी इंडोनेशिया। जवाब होगा डी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जहरीले सांपों का जहर ताकत का स्रोत माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ सेना से लेकर आम लोग भी पायथन और कोबरा जैसे भयानक जहरीले सांपों का खून चाय की तरह पीते हैं। भारत में बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए जयपुर, बी मुंबई, सी अमृतसर, डी फतेहपुर सीकरी। आपका सही जवाब होगा डी फतेहपुर सीकरी। आपका अगला सवाल है, ओलंपिक के पांच छल्ले किसे दर्शाता है? आपका ऑप्शन है ए शक्तिशाली देश को, बी महाद्वीपों को, सी खिलाड़ियों को, डी महासागरों को। आपका सही जवाब होगा बी महाद्वीपों को। आपका अगला सवाल है, भारत में पिन कोड व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1945, बी 1957, सी 1954, डी 1972। आपका सही जवाब होगा डी 1972। आपका अगला सवाल है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए बादल, बी चेतक, सी सारंगी, डी बुलबुल। आपका सही जवाब होगा बी चेतक। आपका अगला सवाल है, किस देश की संस्कृति सबसे अलग है? आपका ऑप्शन है ए भारत देश, बी रूस देश, सी नेपाल देश, डी नागालैंड देश। आपका सही जवाब होगा ए भारत देश। आपका अगला सवाल है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? आपका ऑप्शन है ए 9 ग्रह, बी 7 ग्रह, सी 8 ग्रह, डी 5 ग्रह। आपका सही जवाब होगा सी 8 ग्रह। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, भारत में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा तापमान वाला है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा सी राजस्थान। आपका अगला सवाल है, सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए पैदल जाने वालों के लिए, बी केवल गाड़ी जाने के लिए, सी केवल दोपहिया वाहन जाने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए पैदल जाने वालों के लिए। आपका अगला सवाल है, किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए अनार में, बी केला में, सी सेब में, डी पके पपीते में। आपका सही जवाब होगा डी पके पपीते में। आपका अगला सवाल है, किस देश में शादी करने से पहले रोना पड़ता है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी केन्या, सी चीन, डी फ्रांस। आपका सही जवाब होगा सी चीन।
चीन में इस अनोखी परंपरा को निभाया जाता है। आपका अगला सवाल है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 10 सितंबर, बी 14 सितंबर, सी 16 नवंबर, डी 14 नवंबर। आपका सही जवाब होगा डी 14 नवंबर। आपका अगला सवाल है, एक स्पेस शूट की कीमत कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 70 करोड़, बी 80 करोड़, सी 60 करोड़, डी 50 करोड़। आपका सही जवाब होगा सी 60 करोड़। आपका अगला सवाल है, सबसे सस्ती बिजली किस देश में है? आपका ऑप्शन है ए भारत में, बी नॉर्वे में, सी कतर देश में, डी सऊदी अरब में। आपका सही जवाब होगा सी कतर देश में। आपका अगला सवाल है, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? आपका ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लाल बहादुर शास्त्री। आपका सही जवाब होगा ए इंदिरा गांधी। आपका अगला सवाल है, किस देश में रेलगाड़ी नहीं चलती है? आपका ऑप्शन है ए नेपाल, बी श्रीलंका देश में, सी जापान, डी भूटान। आपका सही जवाब होगा बी श्रीलंका देश में। आपका अगला सवाल है, कार में इनमें से कौन सा फीचर सुरक्षा के लिए होता है? आपका ऑप्शन है ए पावर विंडो, बी एयरबैग, सी हॉर्स पावर, डी म्यूजिक सिस्टम। आपका सही जवाब होगा बी एयरबैग। आपका अगला सवाल है, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी गुजरात में, सी पंजाब में, डी सूरत में। आपका सही जवाब होगा डी सूरत में। पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए जयपुर को, बी जोधपुर को, सी आगरा को, डी दिल्ली को। आपका सही जवाब होगा ए जयपुर को। आपका अगला सवाल है, एक शताब्दी सेंचुरी में कितने वर्ष होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 10 वर्ष, बी 50 वर्ष, सी 80 वर्ष, डी 100 वर्ष। आपका सही जवाब होगा डी 100 वर्ष। आपका अगला सवाल है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए सरदार पटेल, बी अब्दुल कलाम, सी नरेंद्र मोदी, डी इंदिरा गांधी। आपका सही जवाब होगा बी अब्दुल कलाम। आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए लोहा, बी पत्थर, सी हीरा, डी सोना। आपका सही जवाब होगा सी हीरा। आपका अगला सवाल है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए भारत को, बी रूस को, सी जापान को, डी चीन को। आपका सही जवाब होगा सी जापान को। आपका अगला सवाल है, कॉफी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए ब्राजील को, बी कनाडा को, सी भारत को, डी श्रीलंका को। आपका सही जवाब होगा ए ब्राजील को। आपका अगला सवाल है, भारत की पहली सूती
वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? आपका ऑप्शन है ए मुंबई में, बी कानपुर में, सी पंजाब में, डी दिल्ली में, आपका सही जवाब होगा ए मुंबई में। आपका अगला सवाल है, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी रूस, डी अफ्रीका। आपका सही जवाब होगा बी भारत। आपका अगला सवाल है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब होगा डी आंध्र प्रदेश। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए जीव रहने के कारण, बी ग्रह होने के कारण, सी जल की उपस्थिति के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी जल की उपस्थिति के कारण। आपका अगला सवाल है, रेबीज बीमारी किस जानवर के काटने से फैलता है? आपका ऑप्शन है ए बिल्ली, बी बंदर, सी सांप, डी कुत्ता। आपका सही जवाब होगा डी कुत्ता। आपका अगला सवाल है, किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए आम में, बी सेब में, सी पके पपीते में, डी अनार में। आपका सही जवाब होगा सी पके पपीते में। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रगान कहाँ पर गाया गया था? आपका ऑप्शन है ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी कानपुर। आपका सही जवाब होगा ए कोलकाता। आपका अगला सवाल है, आलू उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी केरल। आपका सही जवाब होगा सी उत्तर प्रदेश। आपका अगला सवाल है, वह कौन सा जानवर है जो 30 फीट तक कूदता है? आपका ऑप्शन है ए कंगारू, बी ऊंट, सी भालू, डी हिरण। आपका सही जवाब होगा ए कंगारू। आपका अगला सवाल है, भारत में पीतल के बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए अलीगढ़ में, बी अमरावती में, सी चांदनी चौक में, डी मुरादाबाद में। आपका सही जवाब होगा डी मुरादाबाद में। आपका अगला सवाल है, देसी घी खाने से कौन सी बीमारी होती है? आपका ऑप्शन है ए कैंसर, बी शुगर, सी पथरी, डी दस्त। आपका सही जवाब होगा डी दस्त। आपका अगला सवाल है, सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए घोड़ा, बी चीता, सी हिरण, डी बाघ। आपका सही जवाब होगा बी चीता। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, क्रिकेट खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 11 खिलाड़ी, बी 12 खिलाड़ी, सी 13 खिलाड़ी, डी 14 खिलाड़ी। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।